नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली। वैसे तो ये जोर शोर से कहा जाता रहा है कि स्वस्थ समाज ही किसी देश का निर्माण कर सकता है। हमारे देश में ऐसे ही वादे होते रहे, दावे होते रहे, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि खुद ही वेंटिलेटर पर जा पहुंची है तो किसी मरीज का क्या इलाज करेगी। देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो या अस्पताल हो, उनकी हालत देखकर ये समझ नहीं आता कि पहले मरीज का इलाज हो या फिर खुद उस अस्पताल का। और शायद इन्हीं वजहों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को इस कदर डिरेल कर दिया है कि भारत दुनिया के कई अति पिछड़े देशों में से पिछड़ गया है। मशहूर जनरल लासेंट की रिपोर्ट में तो भारत दुनिया के 188वें देशों में से 143वें नंबर पर है। अब सरकारों को ही तय करना होगा कि किसका हो इलाज। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली तो शायद ही देश में किसी से छिपी हो, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ सरकारों को दुगोश देना भर काफी है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लचर बनाने में सरकारी अस्पताल प्रशासन की भी बड़ी भूमिका है, और इसे साबित भी करती है वो तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे अस्पतालों में अव्यवस्था का बोलबाला है, जहां एक गरीब मरीज को घुटन और परेशानी के अलावा और कुछ नहीं मिल पाता। ये रिपोर्ट जिसे देखकर आप का दिल भी कह उठेगा कि भगवान किसी गरीब को सरकारी अस्पताल ना भेजे। यह तस्वीर उस बेबस मां की, जिसका साथ पहले परिवार ने छोड़ा, और फिर किस्मत भी तगा देगी। दुनिया की बेरखी तो देखी, कल तक परिवार के साथ खाना खाने वाली ये बुजुर्ग आज गंदी फर्श पर खाना खाने को मजबूर है। हैरानी तो इस बात की है कि यह फर्श किसी धर्मशाला का नहीं बल्कि एक अस्पताल का है। वो अस्पताल जो लोगों की सेहत सुधारने के लिए बने, वो अस्पताल जो लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं। लेकिन अगर अस्पताल में हाल ऐसा हो, और वो भी झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल का, तो मुंह से सिर्फ आ ही निकल सकती है कि हाय ये गरीबी, वाह रे मजबूरी, जो इंसान और जानवर में फर्क ही खत्म कर दे। एक बार जरा फिर इस बेबस बूढ़ी महिला को देखिए, कलेजा मुंह को ना आ जाए तो कहिएगा। अब आपको बताते हैं कि इस तस्वीर के पीछे की कहानी। दरअसल ये महिला अपने टूटे हाथ का इलाज कराने के लिए रिम्स के आर्थोपेडिक वार्ड में आई थी। परिवार ने साथ छोड़ा तो सरकारी अस्पताल के बरामदे में पड़े रहने को मजबूर है। जिस देश में लोग रोजाना ही बड़ी मात्रा में खाना फेंक देते हो, उस भारत में ये भूखी महिला जमीन पर परोसा खाना भी बड़े चाव से खाते हुए नजर आती है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि हाथ में पट्टी बांधे इस गरीब महिला मरीज को वार्ड बॉय ने फर्श पर ही खाना परोस दिया। महिला ने जब प्लेट में खाना मांगा तो उसे बताया गया कि अस्पताल में प्लेट नहीं। शर्मिंदा करने वाली इन तस्वीरों को दिखाए जाने के बाद विशेष जांच टीम ने मामले को सही पाया और आरोपी अनुबंध कर्मचारी को हटा दिया। जिस व्यक्ति ने अगर खाना हमारे किसी स्टाफ ने खाना जमीन पर दिया, यह अमानवीय है। ये कुछ लावारिस व्यक्ति टाइम टू टाइम हमारे जो है कैंपस के अंदर कॉरिडोर में या जहां पर भी जगह मिलती है, जिनका कोई घर नहीं है, वो आकर के यहां पर रहने लग जाते हैं। और हमको पहले भी हमने जो है यहां से पेशेंट्स को जो लावारिस रहते हैं लोग, उनको अगर जिसको इलाज की जरूरत है इलाज करते हैं और उसको एडमिट करके इलाज करते हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की इस तस्वीर ने सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। लेकिन सवाल ये कि क्या हर साल करोड़ों खर्च करने के बाद भी बेबस और आम लोगों को इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं देगी सरकार? क्या यूं ही हर बार गरीबों को मरने के लिए सरकारी अस्पतालों में छोड़ दिया जाएगा? सवाल कई हैं और हर सवाल का जवाब एक ही है अधिकारियों के पास कि कानून संगत कार्रवाई होगी। हालांकि मामले में कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब जनता ऐसे जवाबों से थक चुकी है।
लेकिन अधिकारी हैं कि बदलते ही नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाले लापरवाही के मामलों की एक लंबी फेहरिस्त है, और हर बार मामले पर पहले जांच बिठाई जाती है और फिर कार्रवाई के नाम पर होती है खानापूर्ति। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था खुद इतनी लाचार और बीमार है, वो क्या किसी और का इलाज करेगी। रांची से मनीष मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो मौजूदा वक्त में हेल्थ सिस्टम किस कदर फेल हो चुका है, डेंगू और चिकनगुनिया का तेजी से फैलता दायरा ये बयान करने के लिए काफी है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर हालत पर दुख जताया और विभाग की नाकामियों को स्वीकार भी किया। जयपुर में डॉक्टर समिट के दौरान उन्होंने देश की चिकित्सा सुविधा पर तमाम बातें कही हैं। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से जूझ रहा है, और इन बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है, और इस बात को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मान रहे हैं। कुलस्ते ने जयपुर डॉक्टर समिट में कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं खस्ता हाल है, हेल्थ सेंटर में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, यहाँ तक कि ओपीडी की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं है। सरकार के बारे में कहें ऐसा नहीं, परंतु देश में इस सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में जो प्रयास होना चाहिए था अभी तक वो नहीं हुआ। इस दौरान कुलस्ते ने ये भी कहा कि देश के डॉक्टर्स विदेश चले जाते हैं, जिससे भारत में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन आने वाले दिनों में 10,000 डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे देश में जल्द ही डॉक्टर्स की भरपाई होगी। मैंने कहा कि 10,000 डॉक्टरों की संख्या हमने इस नीड से बढ़ने वाली है, जो अभी तक के हम कुल 52,000 एक साल में हम जिनकी भर्तियां करते थे, अब 60,000 होंगे, तो स्वाभाविक ऑटोमेटिक बढ़ेगी संख्या। इस बारे में हमने प्रयास किया और मुझे लगता है हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमने संख्या बढ़ा दी। कुलस्ते ने गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार के लिए मीडिया से मदद मांगी और कहा कि प्रचार प्रसार में भी कई बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। आशीष चौहान, जयपुर। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकारें भी बदहाली की इन तस्वीरों पर सिर्फ चिंता ही जाहिर करती रहेंगी तो सूरत हाल बदलने की कवायद कहां से शुरू होगी। जो सरकारें कमियां गिना रही हैं, वो ये क्यों भूल रही हैं कि हालात बदलने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में भारत स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में इतना पिछड़ चुका है कि बेहद ही गरीब और अति पिछड़े देश भी हमसे आगे निकल गए, और 188 देशों की सूची में 125 करोड़ का देश 143वें पायदान पर खड़ा है। देश का हेल्थ सिस्टम लाश बन गया है। 7.5% की रफ्तार से तरक्की कर रहा भारत सेहत के मामले में घाना और सीरिया जैसे भूखे और तबाह देशों से भी पीछे है, और तो और बर्बाद पाकिस्तान से महज 6 पायदान ऊपर है। ये शर्मनाक खुलासा कहां और किसने किया ये भी आपको बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं वो ताजा तस्वीरें जो बताती हैं कि कैसे हेल्थ सिस्टम लाश बन गया है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में एक कुत्ते को नवजात बच्चे के शव को घसीटते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि कुत्ता अस्पताल के महिला वार्ड में शव लेकर घुस गया और लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा। फिर गेट के अंदर आके देखा तो बच्चा वो 4 दिन पुराना मरा हुआ है, उसमें मैगेट्स वगैरह भी पड़े हैं, तो अब उस बच्चे को मैंने रखवा लिया। यूपी के कानपुर के मशहूर अस्पताल में एक युवक की मौत हो गई। इसके बावजूद पैसे वसूलने के लिए उसके शव को 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। मरीज की मौत के बाद भी इलाज के नाम पर बिल बनाते रहे। मृतक की पत्नी ने गहने बेचकर परिजनों ने उधार लेकर जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया था, लेकिन सारी कोशिशें व्यर्थ हो जब डॉक्टर ने मौत की खबर दी।
अपने अपना घर बेच बाच के अपनी गाड़ी बेची, अपना जेवर, इनकी माँ ने अपना सारा जेवर बेच दिया और फिर ऑपरेशन किया इन्होंने। उसके बाद मरीज हमारा फिर घर गया और दो दिन बाद उसकी फिर हालत खराब हो गई। वो लग 2.5 लाख रुपए लगेगा और कम से कम 21 बोतल खून चला रखा है इन्होंने 3 ऑपरेशन में। वेंटिलेटर में इन्होंने, आपकी जो हमारे लास्ट टाइम मरीज आया है तो हमारे मोहल्ले का एक शख्स आया था जो मतलब किसी बहाने धोखे से अंदर चला गया वेंटिलेटर में, तो उसने नब्ज देखी तो वो मरीज मर चुका था। उसने हमारे मोहल्ले में आके हमसे हम लोग बताया भी, केवल पैसे के लिए हमारा बॉडी नहीं दे रहे थे। यूपी के पीलीभीत में डीपीटी के टीकाकरण के बाद दो गांवों के करीब 70 बच्चे बीमार पड़ गए। इससे दोनों गांव में हड़कंप मच गया। ये टीके खराब थे या टीके लगाने वाले, ये बड़ा सवाल। गुजरात में डेंगू और मलेरिया कहर बरपा रहा। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, वार्ड मरीजों से पटे हुए हैं। इस साल अब तक करीब 5000 मलेरिया के और 425 डेंगू के मामले अहमदाबाद के अस्पताल में दर्ज किए गए हैं। हमारे जो ए महीने के फिगर देखे तो आज तक के 111 केसेस डेंगू के मिले हैं, जो हम जेहरी मलेरिया बोलते हैं फालसी पेरम, उसके 14 केसेस मिले हैं और सादा मलेरिया है उसके 135 केसेस मिले हैं। इंदौर के MY अस्पताल में एक महिला ने इमरजेंसी विभाग की पार्किंग में ही बच्चे को जन्म दे दिया। महिला का कहना है कि वो आधे घंटे से अस्पताल के बाहर बैठी थी और दर्द से तड़प रही थी, लेकिन अस्पताल का कोई स्टाफ उसे देखने तक नहीं आया और थक हार के पार्किंग एरिया में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बाहर डिलीवरी हो रही थी लेडीज को, तो हमने अंदर जाके बोला एक को कि भैया बाहर एक लेडीज को डिलीवरी हो रही, तो ये अंदर से भैया कर्मचारी ने बोला वो कौन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये बोलते हुए आया हो तो को हमारी कुछ लगती बगती नहीं, हमने तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते बोला, लेकिन वो उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये 5 तस्वीरें आपने देखी। अब जरा मशहूर जर्नल लासेंट की रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए जो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में रखी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया सेहत के मामले में दुनिया के 188 देशों में से भारत 143वें नंबर पर है। कोमोरोस, घाना और सीरिया जैसे देशों से भी नीचे। पाकिस्तान से भारत महज 6 पायदान ऊपर है। साफ सफाई को लेकर भारत को सिर्फ 8 नंबर मिले। मलेरिया से निपटने को लेकर भारत को सिर्फ 10 नंबर मिले। प्रदूषण के मामले में सिर्फ 18 नंबर। शिशु मृत्यु दर को लेकर 39 पॉइंट, तो मातृ मृत्यु दर को लेकर 28 नंबर। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ उन तस्वीरों की तस्दीक भर करते हैं जो हाल ही में राष्ट्रीय बहस का विषय रहे। काला हांडे से लेकर कानपुर तक हाल में ऐसी तमाम तस्वीरें आई हैं जिससे देश शर्मिंदा है। राजधानी दिल्ली तक में लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा। बीमारी को लेकर नेताओं की संवेदनहीनता दिल्ली में जिस तरह से सामने आई वो पूरे देश ने देखी। सवाल ये है, आखिर सेहत राष्ट्रीय महत्व का विषय क्यों नहीं है? हेल्थ पॉलिसी को लेकर वोट का फैसला कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। जी हाँ, कुछ ऐसे ही बदतर हो चले हैं हालात, लेकिन उन अस्पतालों का क्या जो ऐसे हालातों से भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। उल्टे मरीजों से ऐसा सुलूक की सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। दिल को झकझोर देने वाली खबर यूपी के कानपुर से है, जहां नामचीन अस्पताल ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि एक युवक की मौत हो गई थी, इसके बावजूद पैसे वसूलने के लिए उसके शव को 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा। वापस आए तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया था ठीक वो मर गई। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। फिल्म गब्बर इज बैक के इस सीन ने सबको झकझोर कर रख दिया था। कैसे एक युवक अपनी पत्नी के इलाज के लिए जैसे तैसे 1 लाख रुपए जमा करता है। पैसे देने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी मर चुकी है। कुछ ऐसा ही रियल लाइफ में देखने को मिला है। यूपी के कानपुर का ये सर्वोदय अस्पताल है, जहां सचिन नाम के एक युवक की मौत हो चुकी है। घर वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने पैसे वसूलने के लिए शव को वेंटिलेटर पर रखा था। कल से उसको होश नहीं है, ऑपरेशन उसका कल हुआ, कल से होश में नहीं आया वो।
मशीन पे उसको रखे हुए थे, बाहर से सब देख रहे थे, अंदर कोई नहीं गया। बॉडी के लिए कह रहे कि 50 के ऊपर हमको दो, 60-70 हज़ार रुपए दो, जब मेरे पास है ही नहीं पैसा, तो 96 रुपए मेरे पास था, मैंने उनके टेबल पे रख दिया, साहब मेरे पास ये, उन्होंने पैसा गिना 96 रुपए, उन्होंने पैसा गिना उसके बाद मुझे दे दिया। इतने में क्या होगा, और पैसा लेके आओ, मैं थोड़ा बहुत कम कर सकता हूँ, इतना थोड़ी ना कम कर दूंगा। दरअसल सचिन को हफ्ते भर पहले अचानक घबराहट और सीने में दर्द हुआ था। परिवार वाले उसे शहर के मशहूर रीजेंसी हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर ने सचिन के हार्ट का वॉल्व खराब बताकर 3.5 लाख रुपए जमा कराए और ऑपरेशन करके डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन घर पहुंचने के दूसरे दिन सचिन को फिर से तकलीफ हुई तो उसे दोबारा भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद पेसमेकर लगाने की सलाह दी। पेसमेकर के लिए फिर से 3 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा। मजबूर पत्नी और मां ने अपने सारे जेवर बेच दिए। पेसमेकर लगाने के तीसरे दिन सचिन की हालत बिगड़ गई, तो डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन करने का कहकर 2.5 लाख रुपए जमा कराने को कहा और बोला कि सचिन को वेंटिलेटर पर रखा है। 2 दिन तक परिवार वालों को सचिन को देखने की इजाजत नहीं थी। अब घर वालों का आरोप है कि पैसे के लिए डॉक्टर ने सचिन के शव को वेंटिलेटर पर रखा था। बेचारों ने अपना घर बेच बाच के अपनी गाड़ी बेची, अपना जेवर, इनकी माँ ने अपना सारा जेवर बेच दिया और फिर ऑपरेशन किया इन्होंने। उसके बाद मरीज हमारा फिर घर गया और 2 दिन बाद उसकी फिर हालत खराब हो गई। 2.5 लाख रुपए लगेगा और कम से कम 21 बोतल खून चला रखा है इन्होंने 3 ऑपरेशन में। वेंटिलेटर में इन्होंने, आपकी जब हमारे लास्ट टाइम मरीज आया है तो हमारे मोहल्ले का एक शख्स आया था जो मतलब किसी बहाने धोखे से अंदर चला गया वेंटिलेटर में, तो उसने नब्ज देखी तो वो मरीज मर चुका था। उसने हमारे मोहल्ले में आके हमसे हम लोग बताया भी, केवल पैसे के लिए हमारा बॉडी नहीं दे रहे थे, पैसे के लिए कह रहे थे आप हमारे पैसे की व्यवस्था करिए, उसका इलाज चल रहा है, उन्होंने 2.5 लाख रुपए मांगे थे। मौत की खबर मिलते ही सचिन के परिवार में मातम पसरा है। घर वालों ने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम किया था। पत्नी ने जेवर बेच दिए थे, किसी तरह उधार लेकर पैसों का इंतजाम किया गया था। मैं देखता हूँ इनकी क्या स्थिति इस समय हो गई, बिचारों के यहाँ माँ की जेवर तक पूरे बिक गए। गाड़ी एक थी टू व्हीलर, वो अभी 2 दिन पहले बिक गई, कम से कम नहीं तो 10वीं हो जाएगी। जिन्होंने कर लिया, भाई ने दिया, बहन ने दिया, फूफा ने दिया, जो भी है जिन्होंने सब ने इनको कर्ज दिया और उसके बाद बाहर भी लिया और करीब 7 लाख रुपए बता रहे हैं कि लग गया और उसके बावजूद नहीं दे रहा। सवाल ये है कि आखिर क्यों परिजन अपना सब कुछ दांव पर रख कर लाशों की कीमत चुकाते हैं और स्वास्थ्य महकमा चुप्पी साधे रहता है। कानपुर से राजेश अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।